ऑनेस्टली एनालिसिस वाले से ओके ये मैंने चार क्यू में पुशेस किए हैं ठीक है ये काम कब तक करता रहेगा जब तक या तो 3 पे नहीं पहुंच जाते या क्या नहीं हो जाता या हम आप ऐसे शर्म के जाए कि आपको पास मिलता ही अगर पास मिले ही ना उसका मतलब है इट विल बी ट्रैप फॉर एवर ये बात है ना ठीक है एंड नाउ लुक एट दिस ये ले लीजिए ठीक है डजंट मेक सेंस यस सर परफेक्ट पाथ है चल आप देखो लीजिए क्या जितना मर्जी Does it make sense? कहां वो 53 लेंथ का पाथ था और कहां ये 13 लेंथ का पाथ था ठीक है there is a huge difference does it make sense okay so bfs हम कहां यूज करते हैं when we are interested in finding the shortest path when we are interested in finding the shortest path everybody understand अच्छा इसकी मैंने एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की थी और वो मॉडिफिकेशन ये थी सॉरी ऑलराइट ठीक हो सो एवरीबॉडी इज विद मी ठीक है छोटा सा मैंने एक और भी काम किया था वो एक बीएफएस के आपको मैंने बताया था कि बीएफएस इज एक्चुअली नथिंग बट बीएफएस प्रेजेंट है ना यस ओके और आप चाहें तो मल्टीपल सोर्सेज से भी नेबरहुड लिखा सकते हैं तो उसके केस में जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या होंगे एक वॉल्यूम बनेगा सबसे पहले जितने भी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को डायरेक्ट आप क्यू के अंदर पुश करवा ठीक है और अगर पार्ट भी निकाल लें आपको तो हर एक स्टैक्स क्या होंगे शुरू में एम्प्टी होंगे ओके और फिर आप पूरे पूरे के काम शुरू करेंगे डज इट मेक सेंस ठीक है सो दैट्स हाउ यू डू इट नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड अच्छा अभी तक हम जो ग्राफ जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे ना वो था बहुत सिंपल ग्राफ बहुत सिंपल ग्राफ का मतलब बता ये है कि बहुत सिंपल ग्राफ का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से यहाँ तक अगर वो नेबर है तो नेबर अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है वो तो आप समझे कि वो जो है वो चौक है तो मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक आप जा सकते हैं तो यदि आप अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो वो उसकी जो कॉस्ट होगी वो बन होगी बट बड़ी सी बात बता रहे हो आपने क्या ये बात ठीक है कि मैं ये कहता हूँ कि एक है चौक से चौक तक जाने की मैं बात कर रहा हूँ लेट से कि आप एक चौक से चौक ये है कि फॉर एग्जाम्पल जी आपने ये अकबर सब देखा अकबर चौक से आपने फॉर एग्जाम्पल उससे अगला जो 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 मोड़ा है उसका नाम क्या शॉपिंग वाली रोड क्या थी रोड शुरू हो गया तो अकबर चौक से वहाँ तक का जो टाइम है वहाँ पर जो टाइम लगता है क्या वो बराबर होता है कि अलम चौक से आप जब सॉरी चौक वाली रोड वाले मोड़ से आप जब अलम चौक टाइम सेम होता है एक चौक है एक चौक है जो फॉर एग्जांपल जी मैं कहता हूँ कि एक मैं आई मीन कोई भी एक ऐसे चौक ले लेता हूँ जिसमें एक चौक दूसरे चौक के नाम में रश बहुत कम होता है और एक फॉर एग्जांपल जी मैं ऐसी रोड ले लेता हूँ जिसमें रश है वो भी चौक से चौक तक पहुँच रहा लेकिन जी आगे बहुत छोटी तंग रोड है आपको जहाँ आपको बहुत ज़्यादा क्यों बदलना पड़ता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मुगलपुरे वाली रोड पर जाएंगे तो जो आई मीन नया से अगर आप जाना शालमार की तरफ बस पता चलता है वो जो रोड होती है वो हमेशा की मिशन होती है ठीक है गूगल मैप पर रेड रेड आ रहा ठीक है तो द थिंग इज के हम उसे भी क्या यही कहेंगे कि वो उसकी और उसकी कॉस्ट एक ऐसी सो रियलिस्टिकली स्पीकिंग कभी भी आपके पास एक नोड से दूसरे नोड तक के जाने का डिस्टेंस को हम वन कंसिडर नहीं कर सकते इट कुड बी पॉसिबल कि अब हमारे पास ग्राफ्स ऐसे हैं जिसमें एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए आपको वन यूनिट नहीं वन से ज़्यादा यूनिट है उसका वेट इसे कहते हैं कि आपका ये वेटेड ग्राफ है ओके अब वेटेड ग्राफ का मतलब ये है कि अब आपके पास यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपको 2 की 10 पड़ेगी यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको 1 की 10 पड़ेगी ये
यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो आपको एंड सो ऑन सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस एंड कॉस्ट व्हाट इज कॉस्ट व्हाट इज शॉर्टेस्ट कॉस्ट क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ठीक है सर उससे ज्यादा मतलब ज्यादा होगी डिस्टेंस कम होगा कम नहीं चौक जो है वो बहुत बहुत दूर हो और कहीं चौक से चौक जो है वो बहुत छोटे और अगर आप देखें तो टाइम अगर मैं एक और कंपटीशन होती है कि टाइम को डोनेट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ में 2 सेकंड लगते हैं यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड लगता है यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड लगता है तो आपने आपने मिनिमम टाइम में वहाँ से पहुँचा बस ना एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है तो सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो कहीं से कभी हो ये तो एक छोटा सा ग्राफ है ग्राफ बहुत बड़े बड़े ग्राफ सर ए बी के अंदर भी 2 कॉस पड़ रही है और जी बताएं ए सी बी में 2 भी कॉस पड़ रही है क्या कह रहा ए से बी दे और ए से लेट्स मैं कहता हूं जी ए से बी पे जाना है कॉस बताएं 4 4 4 4 यस ए सी बी तक जाना है क्या है 5 ओके सर ए सी बी डी पे तो कॉस सॉरी पड़ी है ए सी बी डी ए सी बी डी 4 ए सी बी डी कितनी पड़ी है छोटी बनती है वो भी 5 में बनती है फोर बनती है ए सी बी डी अच्छा वो फोर यस तो हमने एक बात लेनी कोई भी कोई भी ए सी ई डी सॉरी ए सी ई डी को बता दो तो आप वो पार्ट लेंगे जो के ये बात समझ आई एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सर ये तो बीएफ से पहला ऑटोमेटिकली दे ही देगा हां जी क्या बीएफ से दे देगा नहीं नहीं एक ही नहीं करनी पड़ेगी क्या कर सकते हो जो तुम कह रहे हो मैंने मजीद वर्टिस और उन सब की कॉस्ट वहां से Now this can be done in BFS. Yes. Do you all agree? ये आपको रीजन दिलाओ इससे आपने कन्वर्ट इस पे किया तो यहाँ से यहाँ तक के दरमियान में 2 वर्टिसेस ना तो मैं इसमें एक नोड ऐड करता तो ये बनेगा 1 और 2 ठीक है और जो देखें यहाँ से यहाँ तक 3 है ना तो यहाँ पे 2 वर्टिसेस ठीक है और यहाँ पे 4 है ना तो मैं 3 वर्टिसेस Everybody said, my BFS will work as it is. है ना? कोई इशू नहीं होगा. कोई इशू होगा? नहीं होगा, है ना? But there is a problem. क्या वो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा? हाँ, वो भी कर लेगा, लेकिन क्या? क्या? हाँ. ग्राफ बड़ा हो जाएगा. एक तो ग्राफ बड़ा हो जाएगा. कितना बड़ा हो जाएगा? Imagine कि ये वेट्स थोड़े ना होते ये बहुत बड़े बड़े वेट्स चल रहे हैं सर बाय डिफॉल्ट कॉस्ट है एक एच की बड़ा एक एक बड़े अब तो हम भर चलेंगे ना क्यों ना लुक एट दिस अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे यार 100 कॉस्ट है तो यहाँ पे मुझे 99 वर्ड्स है बहुत बड़ा सिर्फ 50 को एज अ वन कॉस्ट है जीसीडी से डिवाइड कर दो जी जीसीडी से डिवाइड भी कर लें ठीक है लेकिन अगर जब उसका जीडी मान और ये है ना वो एक नंबर इज पे डिवाइड ही नहीं होता पर वे, तो फिर क्या होगा लेट्स से देयर आर 1 लाख वर्टिसेस ठीक है और हर एक की कॉस्ट डिफरेंट थी आप तो बात के ठीक है आप क्या करो है ना एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ठीक है आपके आपके पास आपका मसला है
अब फिर फ्लोटिंग वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करें, ही तो है फ्लोटिंग वैल्यू में तुम लेके जाओगे तो वो हमें कैसे आधा आधा वर्टेक्स ऐड कर दो है सॉरी तो जब बाद में जब जाए वो एक तरह हो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग बीएफएस एज अ ब्लैक बॉक्स बट इट विल नॉट वर्क व्हाई बिकॉज एडिंग दीज वर्टिसेस कैन कॉस्ट अस अ लॉट ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड नाउ लुक एट दिस हम एक और एल्गो और वो एल्गो का आइडिया कुछ इस तरह का है लुक एट दिस वो कहता ही है कि हम एक काम करते हैं मैं वापस पीछे इमेजिन दैट यू हैव अ ग्राफ सो लुक एट दिस कोई भी ग्राफ बनाते हैं जैसे यहां पे एक वर्टेक्स है जो सोर्स वर्टेक्स मैंने इसे रेड बना दिया और आप हमारा ड्रॉ कर देंगे और यहां पर तुम्हारे पास बहुत सारे वर्टिसेस हैं और अब एक पूरे का पूरा भोनचाल बन जा रहा है ठीक है यहां पर एक और वर्टेक्स भी है ठीक है ये भी आ जाए ये भी आ जाए ये भी आ जाए और ये भी शुरू में सबके डिस्टेंसेस इंफिनिटी होते हैं ऐसे होता शुरू में बीएफएस जब चलाते हैं सबके डिस्टेंस इंफिनिटी रहते हैं ना तो इसका भी डिस्टेंस इंफिनिटी है इंफिनिटी है इंफिनिटी है यहां पे और भी एज वगैरह निकालने का वगैरह ठीक है तो आई ओके ये तीन एज यहां पर है और एक एज यहां हो गई ठीक है इमेजिन कि यहां पे थी 50 की एज ये थी 75 की एज ये थी 10 की एज और लेट्स से ये किसकी थी एज ये थी लेट्स से 25 की एज ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड नाउ लुक एट द What I do is के शुरू में मैंने स्कोर कर दूंगा जीरो ठीक है इसका डिस्टेंस कितना है जीरो अच्छा अब मैं ना एक यहाँ मेरा एक क्लॉक है क्लॉक बटर क्लॉक है यहाँ पे नंबर शुरू में जीरो जीरो ये यहाँ पे जीरो जीरो लिखा और होता क्या है कि वो ये जो क्लॉक है वो हर एक सेकंड बाद आ रहा So, 1, 2, 3, 4, 5 इस वक्त तमाम के तमाम वर्ड्स पे क्या लिखा जिसके मतलब इनमें से किसी की बारी नहीं है सिवाय इसके इस पे क्या लिखा है जीरो इसके और क्रॉप में क्या लिखा है जीरो तो क्या होगा ये इस वर्ड की बारी चलेगी ये बात है जिसके जिसके क्लॉक जिसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है और क्लॉक की वैल्यू के बराबर आ जाए तो इसका मतलब उसके बारे में उसने क्या होना है उसने रिजल्ट होना ये बात समझ उसने क्या होना है तो फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट ये अपनी नेबरहुड पे जाएगा और उन उन नेबरहुड के ऊपर जाकर अपना डिस्टेंस और वो एज का वेट ऐड करके उनकी वैल्यू अपडेट करेगा तो ये जीरो प्लस कितना हो गया 50 यहाँ लिख देगा जाके वो इसे काटा उसने और उसकी जगह याद लिख दी काटा क्यों क्योंकि वहां पर पड़ी हुई जो वैल्यू थी वो क्या थी वो इंफिनिटी थी ये इससे छोटी वैल्यू आई है तो ये इसे अपडेट सर ये क्यों किया ये मैंने क्यों किया था ठीक है अब इसकी बारी 50 है तो क्या नहीं है बट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल इमेजिन करें ये एज दे रही है 75 की है 0 प्लस 75 इज 75 यहां 75 ओके 0 प्लस 10 इज 10 तो यहां पर 10 ये बात सुना 0 प्लस 100 इज 100 ये हो गया एवरीबॉडी अंडरस्टैंड यस सर नाउ लुक एट दिस अब पहला मेरा सवाल है आप क्लॉक नंबर की वैल्यू 1 जब 1 होती है तो किसी की वैल्यू 1 है नहीं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है अब वो इस वर्टेक्स पे जाता है और इस वर्टेक्स की नेबरहुड देखता है लेट्स से इसके नेबरहुड इधर तो है ही कब सारे 7-1 ना फॉर एग्जांपल ये भी जा रही थी अच्छा बैकवर्ड चल रहा है अंडर टू ड्रॉप ये एज जा रही थी और ये एज थी फॉर एग्जांपल 5
जीरो से जब 10 तक स्टार्ट हो गए तब तक वेट करता रहेगा और वो थी फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस यहाँ पर ऐसी जो थी 120 की जी 10 जमा 120 कितना होगा ये से सेट करेगा नहीं ओके ये सेट नहीं बस नहीं कीप रनिंग दिस सेल दिस कॉल्ड अलार्म क्लॉक क्लॉक ओके ओके और दिस विल वर्क Okay, let me show you the algo. The algo is in this form. Okay, let's set an alarm clock for node S at 0. Okay? Or they can get that. They are leaving. Repeat until there are no more alarms. Okay? Everybody understand? Yes, sir. Or are you there? Say the next alarm goes off at time T for node U. Then, यदि अगर किसी की बारी आ गई है ओके तो हमें कहेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम एस टू यू इज टी ओके क्योंकि टाइम की यूनिट में देख रहे थे ना और टाइम है तो हम आगे चले जा रहे हैं तो टाइम आ गया वहां पहुंचने का हमारे बात हुई और आप क्या करते हैं फॉर ईच नेबर वी ऑफ यू इन जी हम करते हैं क्या है हर एज ये बता रही है कि यहां से वहां पर कितना टाइम लगता है जो एज का टाइम है तो हम यहां से सोर्स से यहां तक का डिस्टेंस हमने निकाल दिया टाइम यूनिट में उसके टाइम में इस एज वाला जो टाइम है वो हम ऐड करेंगे तो जो जिस वर्टेक्स पे अब हम जो इसकी नेबरहुड के वर्टेक्स हैं उनके भी टाइम कैलकुलेट हो जाएंगे हम सिर्फ तभी एडिट करेंगे जब हमारा जो अभी नया इस एज के थ्रू जो टाइम निकल रहा है वो आपका छोटा निकल रहा है सो लुक एट दिस इफ देयर इज नो अलार्म Yet for V, set 1 for time T plus L U V. यानी अगर पहले नहीं सेट हुआ हुआ तो सिंपल T plus L U कर देंगे, ये ना? और अगर पहले हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे? अगर पहले हुआ हुआ है और किसी का ये वैल्यू जो है वो कम आ रही है और पुराने पहले वैल्यू हम पढ़ी थी वो थोड़ी सी बड़ी थी तो क्या करेंगे हम इससे उसको रिप्लेस करें अभी बड़ी अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड अलार्म क्लॉक आइडिया देखते हुए हम लोग दो तीन नोट्स के अंदर फिरते रहे हम लोग जहाँ पे हम लोग सर दो से तीन नोड्स का आपस में लूप हो और डेस्टिनेशन की वैल्यू थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा हो तो वहां पे जाने की बजाय वो लूप में लूप में नहीं फंसेगा तो कभी भी लूप में नहीं फंसेगा ये नहीं ये भी लूप था ना यहां भी चाइल्ड का ये भी लूप था लेकिन वो नहीं फंसेगा सर अगर यहां पे हमारी एस से ऊपर वाली जो नोड है हां वहां पे कॉस्ट 50 की बजाय हमारी अगर कम होती कितनी होती अगर 12 फिर 13 देते हैं चलो 12 करो ये कितनी हो जाएगी 12 10 plus 5 ये change नहीं हो ये positive value है ना तो कभी भी infinite loop में नहीं पहुंचता क्योंकि या तो इससे value छोटी आएगी ठीक है ना या value छोटी आएगी और छोटी आएगी तो replace हो जाएगी और अगर और छोटी के बाद अगर दोबारा से वापस मारेगा बस ना इतना सा कुछ नहीं make sense does it make sense yes. okay This is the most essential part. What is the problem with this item? You are wasting a lot of time. देखिए मेरी बात सुनिए। आप ये क्या कर दूँ? यहाँ पर zero के बाद मुझे 9 unit waste करने पड़े। अब फिर 10 की बारी है। 10 के बाद मुझे actually यहाँ पर मैंने 15 से replace कर दिया था। Let's say अगर 15 ना होता गया, let's say यहाँ पर 50 था ना? और यहाँ पे भी लेट्स से 50 होगा तो 10 प्लस 50 कितना होगा 60 दिन रिप्लेस नहीं करेगा आप मुझे कितने यूनिट इंतजार करना पड़ेगा आप मुझे तकरीबन 39 यूनिट के बाद जाके बारी आएगी
एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट नहीं आप कि आप कैसे बता सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट करें तो बयान नहीं इसने सर जो हमने रेंज फाइंड की थी और आपको बड़ा मसला है हां क्या एक बार रेंज फाइंड की थी हां अब मैं आपको एक बात बताता हूं रेंज की जरूरत है व्हाट इफ वी डू द फॉलोइंग सर एक्सपोनेंशियल एक मिनट कोई एक्सपोनेंशियल नहीं किसी को सी बात में मैं क्या करूं बताना चाह रहा हूं व्हाट इफ यू डू द फॉलोइंग You maintain these nodes in the form of min heap. Min heap में top पे क्या पड़ा है? Okay? So हमें जितना भी weight करना है, उड़ा के हमने बात की. Okay? और जिस जिस तरह नोड्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है एक्चुअली जो हम वैल्यू अपडेट करते हैं उसके ऊपर ऑर्डर वो खुद ब खुद ऑर्डर उसका सो हर अपडेट की कॉस्ट कितनी है लॉग वी दैट्स इट ओके और हर एक्सट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी है वो भी है लॉग वी फाइंड की जो होती है वो लॉग वो वन होती है बट डिलीट की जो होती है वो लॉग वी होती है क्योंकि डिलीट करने के लिए आपको रिमूव करना पड़ता है और जो नीचे वाला होता है उठा कर ऊपर आता है और वो फिर नीचे हीपीफाई डाउन होता है ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो द आईडिया ऑफ अलार्म क्लॉक फेल्ड बिकॉज़ वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम कि अगर एक और एक और एक नोड के अलार्म टाइम और उसके जो उसके बाद इसकी बारी आनी है उसके दरमियान में गैप बहुत बड़ा है तो यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम द गुड थिंग अबाउट about this idea is कि इसी से inspire होके हम actually इसको हम इतना wait नहीं करवाते बल्कि क्या करते हैं हम background में एक min heap कर देते हैं rod ही क्यों करते हैं और वो heap से किसको निकालेगी जिसकी alarm clock की value सबसे छोटी है इस वक्त सबसे छोटी है ये बात समझे everybody understand okay so अब हमारे clock में तुम कह रहे हैं क्लॉक में जंप है मारो ये क्लॉक में जंप्स ही हो रहे लेकिन जंप्स जो है वो बड़े डिटरमिनिस्टिक जंप्स एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल इस तरह की चीज नहीं है वो एक्चुअली डायरेक्ट जंप मारता है ठीक है ना वो पहले देखो 10 पे गया 10 के बाद वो डायरेक्ट 50 पे गया ओके दरमियान में उसने 39 यूनिट का टाइम वेस्ट नहीं किया ओके ऑलराइट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग ओके लुक एट दिस एल्गोरिथम वेरी वेरी सिंपल एंड एलिगेंट एल्गोरिथम What it does is, कि बेटा ये आपका ग्राफ है, ठीक है? अभी इसको नहीं देखना आपने, ठीक है? Please look at this. Let's say मैंने A से तमाम वर्टिसेस के डिस्टेंसेस निकालने हैं और वो मिनिमम होने चाहिए. वो क्या होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए. So look at this. सबसे पहले वो एक काम करता है, ठीक है? बेटा आप प्लीज ये ना देखिए, ठीक है? मैं से थोड़ा Look at this. Let me tell you the first the algorithm and then we will go to run this up. Okay? So look at this. हर बटन पर जाते हैं उसके डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं इंफिनिटी इंफिनिटी का मतलब क्या है मैक्सिमम मैक्सिमम और इसके प्रीवियस को हम निल कर प्रीवियस इज एक्चुअली इट्स बैकेट ठीक और से आ रहा है लूप से बाहर आया डिस्टेंस ऑफ एस जो है वो हमने क्या कर दिया जीरो जीरो अच्छा अब हमारा जो डिस्टेंस जो एस है वो हमारा फॉर एग्जांपल यहां पर ए है ठीक ये हमारा किसके मुकाबले आप किसी को भी ले सकते हैं आई डोंट केयर ठीक है ऑलराइट तुम्हारा अच्छा व्हाट्स द आईडिया इज वो कहता है अच्छा तुम एक क्यू बना बाय द वे डोंट फॉरगेट ये क्यू जो है वो प्रायोरिटी क्यू है और एक्चुअली बैकेंड में ही है कौन सी हीप है? है? जब तक कि हीप एम्प्टी वो कहता है मिनिमम डिग्री
कौन सा लिखा ए ए ठीक है तो ये देखो पांच का डिस्टेंस कितना है जीरो जीरो ठीक है तो कहता है फॉर ऑल एजेस गोइंग आउट ऑफ दिस वर्टेक्स वो कहता है अपडेट कर इस ऑपरेशन को ये कंडीशन और ये चीज ये अगर वो ग्रेटर होगा प्लीज 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 इसे कहते हैं रिलैक्स ऑपरेशन रिलैक्स ऑपरेशन यानी क्या कि मेरे पेरेंट्स से यहां तक का डिस्टेंस क्या है अगर मेरे पेरेंट का डिस्टेंस कितना हुआ था उसमें अगर मैं ये वैल्यू कंप्यूट करूं इसके एज की का वेट ऐड करूं और ये वैल्यू जो है अगर क्या आ जाए उससे अगर मेरे जो छोटी आ रही अगर उससे छोटी आ रही है तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा दिस इज कॉल्ड रिलैक्स ऑपरेशन ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अगर आ गया तो उसकी डिस्टेंस को अपडेट करता और करता और वो प्रीवियस ऑफ वी को क्या कर देता है समझ में और इसके ऊपर वो डिक्रीज की कॉज करता है डिक्रीज की हां प्रीवियस ऑफ वी इक्वल प्रीवियस उसके पैरेंट को सेंड करता है किस वाली नोड को भी अभी आ जाओ उसके चेंज फॉर एग्जांपल ये देखो जरा ए पे ये यहां से यहां पर जा रही कौन उसका पे पहले इंफिनिटी पर आवर ठीक है अब क्या होगा जी यहां से वो यहां भी गया और यहां पे भी गया जब वो यहां पे जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना लगेगी तू पहले पहले इसकी आएगी भाई पहले आज इसकी क्या आएगा 4 ठीक है 4 उसने अपडेट किया इसके पेरेंट को सेट कर दिया कि वो क्या है ए है ठीक है और मेरा भी एड्रेस से देख डिलीट बस और इसके ऊपर जाके वो डिलीट हो गया क्यों मैं तो अब तो आपको कॉल करना पड़ा इसके ऊपर से अपडेट की कॉल किया ना डिक्रीज की कॉल किया डिक्रीज की का मतलब क्या है डिक्रीफाई अप ठीक है जी क्या पढ़ा अब क्यू के टॉप पे कौन आ जाएगा बी सी या बी और सी हो सी हो अभी तो टू है अभी ये की अभी ये के ऊपर सो है ना अभी प्लस सी से बी हुआ है तो ही के टॉप पे कौन होगा बी यार इधर देख रहे हो क्या कर रहे हो अभी आपने सिर्फ बी को प्रोसेस किया है तो बाकी सब के इंफिनिटी है और इसका 4 हो गया तो ही पे टॉप पर किसको होना चाहिए इसको बी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अब आगे वाले अब वो अगली एज पे जाता है ये इसी की बारी खत्म नहीं हुई yes. तो वो अगली बारी इसकी इसकी है उसको अपडेट करेगा इसमें क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 2 और 2 होने के और 2 का इसका पैर कौन सेट हो जाएगा दोबारा से ए ठीक है और क्या होगा इस पे वो हिपिफाई आप दोबारा डिग्रीज की कॉल करता है डिग्रीज की कॉल क्या है ये टॉप पे कौन आ जाए 2 है ना बस ना हीप के टॉप पे कौन मौजूद होगा सी मौजूद एवरीबॉडी अंडरस्टैंड आप मेरी बात और सुन लें इसका पेरेंट है ए और आप ये हीप से निकलने लगे आप ये हीप से आप एक बार और से मेरी बात सुन लें ये पेरेंट फाइनल हो गया ये पेरेंट फाइनल हो गया एक बात याद रखें जो अभी तक हीप से नहीं निकले उसके उनके पेरेंट्स अभी तक फाइनल नहीं हुए जो उनके पेरेंट्स सेम हुए हुए वो अभी उनके पोटेंशियल पेरेंट्स हैं ये बात समझ आगे बात सुन अब क्यू के टॉप पे कौन पड़ा हुआ है तू निकाल ले उसके बाद ठीक है हम निकालते हैं इससे एजेस कहां कहां जा रही है बी और ए एक एज यहां जा रही है एक एज यहां जा रही है और एक एज यहां जा रही है जी क्या होगा पहले वो यहां जाएगा जी 2 प्लस 1 इज 3 और यहां पे क्या पड़ा हुआ है 4 एक तो ये 4 घटेगा यहां पर आ जाएगा 3 और पेरेंट कौन सेट हो जाएगा पेरेंट सेट हो जाएगा जी आई एम नॉट डन नो आई एम नॉट डन आई हैव टू अपडेट इट्स ऑल एजेस तो यहां से मैं आऊंगा बी के ऊपर ठीक है तो यहां से यहां गया तो अभी क्या नहीं है सॉरी यहां से यहां क्या इसकी जो इसकी जो इसका दिया इसको 6 कर दिया ऐड 2 प्लस 4 6 होता है और पेरेंट क्या हो रहा है इसका सी सी ठीक है दीदरा दे 7 कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा सी तो नेक्स्ट सेंस जी ये देखिए ये क्यू से निकल चुका है तो मैं इसको भी सकता बराबर
ठीक है, जो जब क्यू से निकलता जा रहा है समझता है कि वो फाइनल हो चुका ऐसे ही आ गया। अच्छा आलो जी, अब क्यू के टॉप पे कौन पड़ा? अब बी पड़ा, ओके, जिसकी वैल्यू है 3। अब क्या हुआ? अब इसके नेबरहुड देखेंगे, एक ये नेबरहुड है, एक ये भी नेबरहुड है। जी बताएं क्या होना चाहिए? सीनी नेबरहुड है। हाँ जी, ये भी नेबरहुड है, लेकिन लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहां से वो यहां नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो क्यू से निकल चुकी थी। जैसे ही क्यू से कोई निकले उसके उसको मार कर दे कि ये अब फाइनल हो चुका है, उसको सेव करके पीछा करते हैं, सेव करके रखे उसके लिए एंट्री टू को सेट कर दे कि इट हैज ऑलरेडी थी फ्लैग, उसका फ्लैग ऑफ हो जाए, कि वो जो तीसरा रेड ब्लैक वगैरह करते थे ना, इस तरह यहां पर हम भी कोई कलर दे देते कि भाई ये सोचिए भाई आप इसके बारे में कोई पछताओ नहीं, ये बात समझ में ठीक है। तो आपको वन में पता लग जाएगा भाई अब क्यों तरीके चुका, ये बात समझ में आ गई ठीक है। आप देखें क्या करते हैं, आप वो यहां आएगा, एक तो इसको क्यू से बाहर निकालेगा, इससे यहां पर अपडेट होगी, यस अपडेट होगी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा डी, ओके जी, यहां से यहां पर अपडेट होगी, 3 प्लस 3 इज 6, ये कटेगा, यहां बढ़ेगा 6, यहां हो जाएगा डी, ओके। और कुछ होगा? आप ये भी निकल गया, क्यू के अंदर कौन सबसे पहले पड़ा? डी, सबसे पहले वो निकलेगा, इससे एज कोई यहां पर आ रही है? आ ही नहीं, ओके। उसके बाद क्यू में कौन निकलेगा? ये, ठीक है। तो एक्चुअली इसका अंडरलाइन ट्री ग्राफ कौन सा है? ये एज फाइनल हुई है, ये एज फाइनल हुई है, ये एज फाइनल हुई है, और ये वाली वो एजेस है जो कि हमने पैरेंट्स ने सेव की हुई है, इसके अलावा तमाम एजेस किसी का बस ना, ये हमने क्या कंप्यूट किया लगे? शॉर्टेस्ट क्या? शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम ए टू ऑल वर्टिसेस, फ्रॉम ए टू ऑल वर्टिसेस, ये हमने डिस्टेंसेस निकाले हैं ए से तमाम पे। अगर मैं कहूं क्या मैं इसी को यूज करके सी से या मैं कह दूं क्या इसी को यूज करके मैं सी से ई पर जा सकता हूं? यस सर। नहीं जा सकता, दाखिल इसको यूज करके नहीं जा सकता। और जब बताया उसका रिस्पेक्ट टू ईयर, इसका पाथ ही सबसे डायरेक्ट हो रहा है या ऐसे बताएं? ये एक बुलवा पा, लेट्स से इस तरह मैं ये जो अंडरलाइन पाथ निकला है ना, ये वो पाथ है जो कि ए के लिहाज से सेट हुआ है। डी के लिहाज से अगर सेट करने लगेंगे तो हो सकता है डिफरेंट पाथ है। अगर आप डी के लिहाज से सेट करने लगे तो हो सकता है डिफरेंट पाथ है, उस वजह से आने की कॉस्ट कुछ और होगी। बिल्कुल, या अभी ऐसा हो सकता है कि वो वहां से कोई, तो उसके लिए तो ऑप्टिमल हो, लेकिन इसके लिए ऑप्टिमल, उसके लिए ऑप्टिमल ना, लेकिन ए के लिहाज से ऑप्टिमल है, ए के लिहाज से ऑप्टिमल है, लेकिन बी के लिहाज से ऑप्टिमल होना लाजमी नहीं। ये बात समझ? तो एक बात याद रखें कि आप आपने ये जो आपने एल्गो चलाया है, जिसको बड़ा मशहूर एल्गो कहते हैं डाइजेस्टरा, ये एक सोर्स लेता है और सोर्स के हिसाब से डिस्टेंस निकालता है, और इस एक सोर्स से निकाला हुआ हुए डिस्टेंसेस लाजमी नहीं है कि दूसरे वाले दूसरे के लिए भी इक्विवेलेंट हो, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, तो ये एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये देखिए, ये देखिए प्लीज, कोई एग्जांपल ना, हमारा सोर्स है थ्री जने, वन 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 वन, ठीक है। ठीक है,
इनमें से जो जो मर्जी पहले निकाला बताएं कौन सा निकाला है ऊपर वाला निकाल देते हैं ये आ जाएगा जी हाँ जी ये हो जाएगा टू ठीक है यहाँ से क्या आएगा ये भी टू हो जाएगा राइट तो हमने कौन कौन सी ट्री एजेस ले ली ये ठीक है ये भी होगी और ये भी होगी इधर से यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा राइट अब मुझे ये बात बताएं इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस वर्ड लेट्स से मैं बैठा हूँ इधर ये मेरा टी है और ये मेरा क्यू क्यू से टी से क्यू में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है टू का टू का है और वो ये है लेकिन अगर मैं इस अंडरलाइन को इसलिए सॉल्यूशन निकाला उस ग्राफ में जाऊँ तो वही हो टी से मैं अगर क्यू पे जाना हो तो मैं तो यहाँ से यू जाऊँगी है ना तो लाजमी नहीं है कि डाइजेस्टर हमें सॉल्यूशन दे वो डाइजेस्टर इसके लिहाज से कंप्यूट कर रहा हूँ ये बात सुना मैं इसके लिहाज से कंप्यूट कर रहा हूँ ये बात सुना ठीक है एवरी बडी अंडरस्टैंड अब देखा मैं आपसे छोटी सी एक बात मैंने पूछ रही मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स से कोई मुगल प्रगत है ठीक है और उसने जी माल रोड पे आ गए उसने माल रोड पे आ अब मैं अगर मॉडल अगर मैं यहाँ से माल रोड पे जाता हूँ तो मुझे ये रास्ता शॉर्ट पड़ता है लेकिन अगर मैं वहाँ से आता हूँ तो वहाँ से कोई और वहाँ तक जाने का रास्ता क्या होगा लेट्स से मुगल प्रगत तक जाने का रास्ता क्या होगा मैं नहर से सीधे जाता हूँ और वहाँ पहुँच जाता हूँ और फॉर एग्जाम्पल मैंने जी बाबा हाउस वगैरह जाना है तो मैं वहाँ से लेफ्ट पे हो जाऊँगा और वहाँ से पहुँच जाऊँगा है ना और अगर अगर मैं अगर अगर कोई मुगल पुरे रहता है वो कहता है कि मैंने मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने भी बाबा हाउस पहुँचना है तो उसके लिए शायद जो रोड बेहतर होगी वो कौन सी रोड है वो वहाँ से आती है मुगल पुरे से आगे नहीं रेलवे रोड से होती है लक्ष्मी चौक से जो लक्ष्मी चौक से बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो अगर वो मेरा पाथ लेगा तो मेरे पाथ के लिहाज से तो बुढ़े तो ये बेहतर पड़ती है लेकिन जो जो मेरा शॉर्टेस्ट दिख रहा है वो लाजमी नहीं है कि किसी और को शॉर्टेस्ट ये बात है ना ठीक है सो दिस इज समथिंग यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट के शॉर्टेस्ट डाइजेस्टर जो आपको शॉर्टेस्ट पाथ देता है वो किसी एक सोर्स के लिहाज से ओके डज इट मेक सेंस स्टैंड अप प्लीज स्टैंड अप Sit down. Sit down. कुछ लोग तो उठ ही नहीं रहे. Stand up. हमारा शायद हम एक बार वापस ग्राफ पे आए
डीपी करने के बाद उसमें हम ये काम एफिशिएंट करेंगे। अभी जो आपने बात है इसी कंप्रेसर से लेकर कंप्रेसर कितनी है पहले हाई लोड के लिए बी प्लस एन और एन इधर इधर लगे बी प्लस सी दोबारा बताओ ऑलमोस्ट करेक्ट हो गया बताओ वी प्लस ई होल स्क्वायर वी प्लस ई कितने डिलीट बिन्स होते हैं अगर आप वर्टिसेस की बात करें तो सिर्फ तुमने वी कहना है ओके अब मुझे बताए कितने डिलीट मिन्स होते हैं जितने वर्टिसेस हैं उतने डिलीट मिन्स होते हैं सो वी जो है वो मुझे इतने तो मुझे डिलीट मिल जाओ है ना कितने डिक्रीज की जो ऑल एडिशन हर एज में पोटेंशियली एक डिक्रीज की होने जा रहे सो एंड बट व्हाट इट कैन कॉज इज के इट कैन कॉज अ रिपल इफेक्ट और वहां तक ऊपर आता है सो इट मींस ई इनटू लॉग वी अगेन क्योंकि हर एज के ऊपर पोटेंशियली जो है वो डिक्रीज की कॉल होता है जो कि पोटेंशियली लॉग वी दफा होता है सो द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज वी प्लस ई टाइम्स लॉग दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ऑलराइट बट देयर इज अ प्रॉब्लम डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता इट डजंट मेक सेंस है ना लेकिन मैं आपको एक बात लाजमी नहीं है कि ये जो ग्राफ है ग्राफ इतनी जेनेरिक चीज है यार पास कर दिया नहीं उसको बराबर टाइम हो देता That extra, graph जो है ना graph इतना generic structure है that it can represent लाजमी नहीं है सिर्फ connection की बात करें अभी हमने देखा था कि वो time graph भी हो सकता है वो हमारे पास graph distance graph भी हो सकता है इसी तरह से ये traffic को donate भी कर सकता है इसी तरह आप चाहे हमने फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे पाकिस्तान में रोड नेटवर्क बनाया है अब यहाँ से यहाँ तक रोड बनाए तो ये कॉस्ट पड़ती है यहाँ से यहाँ तक रोड बनाए तो ये कॉस्ट पड़ती है और आप एक अच्छा रोड नेटवर्क बनाते हैं सो यू वॉन्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ठीक है अब आप ये भी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्योंकि हमने इस क्लास का ठीक है अब मेरी बात और ये कोई कहने आने वाली जीवन सिनेरियो जहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज थे ये भी शायद ठीक है एक और भी मजा एग्जाम्पल है कि लेट्स से अगर आप बनाए कि फॉर एग्जाम्पल आपने कभी कहा तो उन्होंने गेमें खेली अगर गेम्स खेलते हैं तो गेम्स खेलते हुए होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि इस तरह टाइम जा रहा था कि पॉइंट्स कहाँ हो गए सो एक्चुअली इट इज़ अ कॉस्ट जब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो आपकी इतनी एनर्जी कंज्यूम राइट ऐसी है बट देर आर सम पार्ट्स जहाँ पर एनर्जी मिलती है ना अब एनर्जी मिलने का मतलब क्या है आई कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एक्चुअली नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या है जो आपने इतने कॉस्ट दे दिए थे वो आपके वापस आ गए बस ना सो दैट्स व्हाट इट कैन रिप्रेजेंट Everybody understand? अब मुझे एक बात बता कि ये मेरे पास ग्राफ इस ग्राफ के ऊपर पहले तो मुझे वैसे आंसर देना
आपके ख्याल में इसका रिजल्टेड ग्राफ क्या होता है? पहले हम एक्चुअल निकाल लें या पहले डेस्कटॉप चलाओ? पहले एक्चुअल निकाल समझ लो ए से बी तक का मिनिमम डिस्टेंस क्या है? 1 नहीं मिनिमम -0.01 -99 -0.01 -300 दैट इज -201 ये है। और मुझे बताएं ए से सी तक का मिनिमम डिस्टेंस क्या है? तो ये -200 मिनिमम कॉस्ट है या 1 मिनिमम कॉस्ट? कई गेमों में ऐसा होता है कि आप यहाँ से जाएं ताकि आप पहले से इक्विप कर दें। सो द थिंग इज अब हम इसको डेस्कटॉप एंड यू विल सी द डेस्कटॉप। सो लुक एट दिस, डेस्कटॉप